ये घटना 21 सितंबर 2025 की है। इसमें अभियुक्त गढ़ों पर पुलिस पर जानलेवा हमला, मारपीट करने और वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का ही मामला था। बहुत विस्तार में न जा करके आज की तिथि वास्ते निर्णय में नियत थी। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्ता भीजमा यादव को अंतर्गत धारा 147, 341, 504, 332, 353 व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषी किया गया। कितनी सजा सुनाई गई है? इसमें धारा 147 में 1 वर्ष 5,000 रुपए जुर्माना और 504 में 1 माह और 500 रुपए जुर्माना और 332 में 342/149 में 1.5 वर्ष और 5,000 रुपए जुर्माना, 353 में 1 वर्ष का कारावास 5,000 रुपए जुर्माना और और 1,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और 1,00,000 रुपए उनको अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्षतिपूर्ति की वो चुटेलों को दिया जाए। अच्छा, इसमें कुल कितनी सजा जो है, अधिकतम कितनी सजा का ऐलान किया गया इसमें और आगे के पास क्या विकल्प है? अधिकतम सजा तो इसमें 1.5 वर्ष। आगे क्या विकल्प है? क्या जमानत भी मिल गई इनको? अंतरिम जमानत मिल गई यहाँ से? हाँ, इन्होंने अपील करने के लिए समय मांगा है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा 20,000 रुपए अंतरिम जमानत दी। अभी अंतरिम बेल मिली है ना? अब ये कोर्ट जाएंगी? कोर्ट जाएंगी, यही विकल्प है इनके पास। कौन भैया? थोड़ा भाई चल इधर भेज देना सीधा भैया। न्यायालय से मुझे भरोसा था कि मुझे न्याय मिलेगा, मिला है और जो अभी है आगे अपील। हाई कोर्ट जाएंगे आप? लेकिन आपकी सदस्यता बच गई जो है वो, इस बात की तो खुशी होगी। तो मुझे उम्मीद था, भरोसा भी था कि न्यायालय पे, मैंने कभी सोचा नहीं था, लगा मुझे साथ गलत हुआ था। न्यायालय इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे? यही करिए, इनको थोड़ा सा इनको अरे गाड़ी है ना। कई धाराओं में अल्लाह को नेशनली में दोषी पाया है और करीब इसमें 19-25 एक्यूज नामजद थे, कुछ ही इसमें डेथ हो गई थी और 2000 का मामला है। 15 लोगों का ट्रायल चल रहा था जिसमें से 14 लोगों को निर्दोष साबित किया गया है और भीजमा जी को एक अल्लाह को नेशनली में दोषी पाया गया है। उसके लिए कितने कितनी सजाएं दी हैं अभी मैंने जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन अधिकतम 1.5 वर्ष तक की सजा है। जुर्माना भी लगाया? आज जुर्माना भी लगाया। अच्छा, जो सजा और जुर्माना मैंने पढ़ा नहीं। ओके सर, जो सजा और जुर्माना विधायक जी पे लगाया गया इसके खिलाफ आप लोग आगे अपील करेंगे? हाँ, अपील हाई कोर्ट में करेंगे। क्या मांग रहे हैं?
अपील करेंगे, जजमेंट पूरा अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। चैलेंज जाना ही जाना है, जमानत भी मिल गई है। हाँ, जमानत भी मिल गई है, और 389(3) में जो प्राविधान है इंटरिम बेल का, 3 साल तक की सजा के अंदर अगर कोई सजा होती है और पहले से जमानत पर रहे हैं तो उन मामलों में सजा का प्रावधान है, और ड्यूरिंग ट्रायल यदि अपने बेल का कोई मिस यूज नहीं किया। ठीक, नाम बता दीजिए। ललन सिंह यादव।